आपके प्रति बहुत ही मेरे दिल में अपार श्रद्धा है और आज आपका जन्मदिन है, इसलिए मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, बधाई देता हूँ। ऐसा ही राष्ट्र की सेवा, ईश्वरीय कार्य आपके हाथों, समाज की सेवा इसके आगे और ताकत से हो, ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ और फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने अभी जो कहा है, अभी मुझे कहने को तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, जो आप कहते हो मुंह पे कहते हैं, पेट में कुछ, ओट में कुछ, ऐसी आपकी पहले से आपका स्वभाव नहीं। मैं आपको बहुत सालों से जानता हूं, मीरा भाईंदर में आप आए थे, वहां कुछ लोगों ने थोड़ी गड़बड़ी की थी, उनका भी आपने आपके वाणी से सफाया कर दिया। अभी एक ही बात मैं कहूंगा, भगवान महावीर जी ने विश्व और विश्व शांति और अहिंसा का मार्ग सबको दिखलाया, और आज जो समाज आपका समाज बहुत ही शांति प्रिय समाज है। हमारे थाना में आपके बहुत लोग धर्मवीर आनंद के साहब के साथ आपके समाज का बहुत ही जुड़ाव था, बहुत ही जो प्यार मोहब्बत का रिश्ता था, मैंने उसे करीब से देखा। उन्होंने हमेशा यही कहा था, ये जैन सभी हमारे समाज के लोग ये सब अपने अपने कारोबार शांति से करते, अपना अपना व्यापार शांति से करते, इनको सिर्फ चाहिए शांति और सुरक्षा, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ये सब लक्ष्मी पुत्र होती है, इनको चाहिए सुरक्षा। और दिगे साहब के जमाने में आप लोग कई लोग जानते होंगे, उनका एक ही था कि हमारे व्यापारी भाई, हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग, हमारे जितने भी सब जैन समाज के लोग, ये लोगों को बाहर कुछ भी हो, दुनिया में कुछ भी हो, उन्होंने लक्ष्मण रेखा पूरे ठाणे जिले को मार दी थी, या कोई भीतर कोई आना है और हमारे व्यापारियों को तंग करेगा तो मेरे जैसा पूरा कोई नहीं। ऐसे दिग्गज साहब कहते, और इसलिए उनकी परंपरा हम लोग आगे बढ़ा। सही माने में कोई भी नगर बसता है, बड़े शहर होते हैं, जब तक व्यापारी नहीं तो उसकी शोभा ही नहीं है। तो ये व्यापारी एक बहुत बड़ा, ये समाज का बहुत बड़ा अंग है, बहुत महत्वपूर्ण, एक जो समाज के लिए या जो भी इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए आप लोगों का सबका योगदान बहुत बड़ा है। और आज नयन कदम जी हमारे आचार्य जी हैं, उन्होंने तो खुलकर बोला है, जो बोलने के लिए, जो मुझे बोलने का था वो उन्होंने बोल दिया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसा व्यक्तिमत्व हमें हमारे बीच है, ये हमारा सौभाग्य है। मैं जब दावोस गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तब कई देशों के प्रमुख लोग मुझे मिले थे, और मोदी जी के बारे में पहली बार जब हमारी सरकार नई नई थी तो मोदी जी के बारे में ऐसे सम्मान से, आदर से बात कर रहे थे कि मैंने देखा हम कहाँ है, भारत में, मतलब स्विट्जरलैंड में, दावोस में हमारे भारत के नाम का डंका वहां वो लोग पिट रहे थे, क्योंकि हमारे मोदी जी के कर्तृत्व के वजह से, मोदी जी के काम के वजह से, मोदी जी ने हमारे भारत देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया है। आज देखो हम कहीं भी जाएंगे तो हमारे भारत को बहुत ही सम्मान मिलेगा। पहले क्या, पहले भारत कहा गया, प्रधानमंत्री क्या बोले कोई नहीं सुनता था, अब प्रधानमंत्री बोलते हैं, भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, दुनिया हिलती है।
ये काम है हमारी अर्थव्यवस्था को। आदरणीय मोदी जी ने देखिए आज दुनिया में क्या परिस्थिति है, कई देशों की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था न केवल मजबूत हुई बल्कि 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लाने का काम मोदी जी ने किया। अब उन्होंने संकल्प किया 3रे नंबर पे लाने, भारत महासत्ता बनाने का संकल्प और निर्धार हमारे मोदी जी ने किया है। इतना बड़ा, इतनी बड़ी सोच, पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए समर्पित किया है, जैसे आप हमारे समाज के लिए, सभी लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, वैसे ही मोदी जी ने भी ये 10 साल में एक भी छुट्टी मोदी जी ने नहीं ली, एक भी छुट्टी नहीं। ऐसा प्रधानमंत्री कहां से मिलेगा, मिलेगा अपने को? भाषण करके आवाज थोड़ा बढ़ गया, मोदी जी मेरे को 4 बार बोले, शिंदे जी आपका आवाज बैठने वाला है, ध्यान रखो। दूसरी बार बोले बैठना, तीसरी बार बोले बैठ गया। फिर मुझे लेके गए, बोले रात को ये करो, गर्गल करो, बोले नाक में गाय का घी डालो। इतना बड़ा प्रधानमंत्री और एक छोटा कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे इसके बारे में इतना सोचता है क्या? हमारे नसीब में मुझे कहते हैं थोड़ा नींद लो, मैं बोला वही तो प्रॉब्लम है, उसी का प्रॉब्लम, बोले नींद का और ये गले का भी कनेक्शन मिलता है। मुझे अभिमान हम ऐसे प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर रहे हैं, हम उनके मार्गदर्शन में राज्य का विकास कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि आइए मंगल प्रभात जी बैठे, आज आज ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे। आप अगर देखिए 2.5 साल पहले की सरकार देखी आपने, 2.5 साल पहले अपनी सरकार मतलब आपकी सरकार, हमारी सबकी सरकार आने से पहले मैं आचार्य जी से संपर्क में था और इनका भी योगदान है उसमें। देखिए 2.5 साल पहले के बाद सोचो, सब बंद था, व्यापार बंद था, दुकान बंद था, आप लोगों को मोर्चा निकालना पड़ा दुकान चालू करने के लिए। क्या आप हमेशा बंद रखें? आपको घर में बैठना है, अच्छा लगता है वैसे का सबको घर में बिठाने का? ऐसा थोड़ी चलता है। रास्ते में एक ना सीधे पीपी किट डाल के अस्पताल में घूम रहा था, ऑक्सीजन दे रहा था, वैक्सीन दे रहा था, रेमडेसिविर दे रहा था। फेसबुक लाइव से कोई सरकार चलती क्या? राज्य चलता है क्या? फेसबुक लाइव से घूमना पड़ता है, सब में जाना पड़ता है, उनका दुकड़ा सुनना पड़ता है। और इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि पहले सब मंदिर बंद थे, पूरा बंद था, मंदिर बंद, दुकान बंद, मकान बंद, अंदर बैठो सिकुड़ के, अरे थोड़ी चले हमारे। इसलिए कि जब देखा आपने कितने बड़े बड़े मोर्चे निकल रहे थे, क्या क्या हो रहा था, एक महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र में, ये हमारे महाराष्ट्र की अलग कल्चर है, संस्कृति है, सभी लोगों को साथ में लेके आगे जाने की हमारी संस्कृति है। उस वक्त क्या क्या निकल रहा था आपने देखा? जब देखा कि शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार की शिवसेना आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो रही है, शिवसेना का खत्म, खात्मा, खच्चीकरण हो रहा है, कमजोर हो रही है, जो सिर्फ एक कुर्सी के लिए। हमारा चुनाव किसके साथ हुआ था? शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन, तो सरकार किसके साथ बननी चाहिए? शिवसेना बीजेपी। बनी किसके साथ?
जो बाड़ा साहब ने हमेशा बोला ये इनको दूर रखो उनके साथ, इसलिए हमने तभी भी कहा था ये गलत है। हमारा नेचुरल अलायंस क्या है? मोदी जी ने आपको जो संभाला है, सपोर्ट किया है, हम उसका तो ध्यान रख रहे हैं। फिर मैंने देखा कि अभी तो पाप का घड़ा पूरा भर गया है, फिर मैंने उस सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। आचार्य जी बोले वो बात सही है, ये छोटा काम नहीं था, या सरकार में बैठे थे वो मुख्यमंत्री, बाकी बड़े बड़े नेता थे, वो बड़े धुरंधर थे, बड़े देश में काम किया था सब जगह पे, और मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता था। बोले बोली यहाँ ये क्या कर लेगा, इसको क्या करने में, इसको कोई लाइट ले लेगा, इसको कोई सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। लेकिन एकनाथ शिंदे जो है, जो बोलता है वो करता है। अरे बाड़ा साहब का और दिगे साहब का सच्चा सैनिक है, उनकी विचारधारा पे चलने वाला है। तो मैंने सोच लिया अभी इनका कार्यक्रम करना जरूरी है। जब मैं सोचता हूँ, जब ठान लेता हूँ, एक बार जब मैं कमिटमेंट करता हूँ, तो मैं फिर खुद की भी नहीं सुनता। अच्छा वक्त नहीं, हमारे जैसे सरकार आई तो दुकान खुल गई, मंदिर खुल गया, सब कुछ चालू हो गया, एक प्रॉस्पेरिटी, एक पॉजिटिविटी शुरू हो गई। मैं तो पहले निगेटिविटी थी, क्या थे लोग, बोले क्या करे क्या करे क्या करे, उनको तो अच्छा ही था, शांति बैठ कर कर ले, खाएंगे क्या। तो वो सब हो गया, अभी 2 साल में आपको भी बताऊंगा, जो भी गलत काम करने की हिम्मत करता है कहेगा बिल्कुल नहीं करेगा। मोदी जी वहां बैठे, पहले हमारे सैनिक जो लोग हैं हमारे बॉर्डर पे लड़ते हैं, उनका सर काट के पाकिस्तान लेके जाते थे हम लोग। हमारे प्रधानमंत्री जाके बोलते उधर, हमारे मतलब मोदी जी ने इससे पहले बोले जाके बोलते, देखो उनको समझाओ, जानते वैसा ना बोलता नहीं, उनको समझाओ, उनको ये करो। अभी मोदी जी बोलते हैं हमारे साथ अगर जरूरत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, ये बोलते हैं। पुलवामा में हमारे सैनिक लोगों को मारा, अब क्या किया मोदी जी ने मालूम है, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट का। ये देशभक्ति है, ये डरने वाला नहीं है प्रधानमंत्री। अभी भारत मजबूर नहीं है, भारत कमजोर नहीं है, भारत मजबूत है, मजबूत। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में उसकी बागडोर है, और इसलिए हमें महासत्ता बनाना है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा, आपने कहा संभाजीनगर, संभाजीनगर नाम पहले कैबिनेट में हम आए, मैं और देवेंद्र जी थे, औरंगाबाद का और उस्मानाबाद का नाम संभाजी नगर और धाराशिव रखने का प्रस्ताव है। कोर्ट में गए, कोर्ट में भगा दिया हमको, जाओ इधर आने का नहीं, देते नहीं नाम, और देने के बाद ये आपके विरोध करते हो। और आपने बताया रेलवे स्टेशन का वो भी किया ना, आपका ही आग्रह था, बिल्कुल भी आग्रह, और वो भी कर दिया, अंबा देवी किया, और गिरगांव है, लालबाग है, हमारे नाम है। अरे ब्रिटिश गए, मुगल गए, अभी उनको क्या याद करने है, उनकी गए सब लोग। अभी बोलते हैं कसाब की गोली हेमंत करकरे को लगी नहीं, अरे कसाब क्या हमारा दोस्त तक है, रिश्तेदार था, अरे हमारे हेमंत करकरे को मार दिया, साड़स्कर को मारा, आमटे को मारा, ओमले को मारा, तुकाराम ओमले, ये पुलिस जवान, उसने कसाब की पूरी गोलियां पेट में खा ली, पेट में ली सब, लेकिन उसको छोड़ा नहीं, जिंदा पकड़ा कसाब को।
ऐसे लोगों के शहादत पर आप सवाल खड़ा करते हो, पाकिस्तान की बोली बोलते हो, ये पाप कहां आप पड़ चुका होगा? और वहां पर फारूक अब्दुल्ला बोलता है क्या पाकिस्तानी चुड़िया पहनी है क्या? पाकिस्तान के पास अनुभव है, मोदी जी बैठे थे स्टेज पर, भाषण मेरा चालू था और मोदी जी बैठे थे, बोले शर्म आनी चाहिए अनुभव, पाकिस्तान रहते देश में, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमें हमें मिल गया, 370 मोदी जी ने हटाया, राम मंदिर बनाया मोदी जी ने और अभी कश्मीर हमारा। बोला नमक खाते हो देश का, गुण गाते हो पाकिस्तान का, उनको तो यार रहने का अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ा अनुभव जो है ये स्टेज पे बैठे हैं। मैंने बोला मोदी जी स्टेज पे बैठे थे, मोदी जी हंसने लगे। मैं बोला अभी दुनिया की कोई ताकत नहीं है भारत से लड़ने की, क्योंकि हमारे पास ऐसा बड़ा शक्तिशाली युग पुरुष है कि वो कॉम्प्रोमाइज कभी करते नहीं, भारत की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, भारत के जनता की सेवा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और इसलिए बहुत कुछ मैंने किया है, अभी बोलता नहीं भैया, मैं बिना बोले कार्यक्रम कर डालता हूं। और इसलिए आपने जो कहा सही था कि बहुत ही वो उस वक्त का जो संक्रमण था बहुत ही कठिन था, लेकिन मैं डरा नहीं, मुझे मालूम था, मैं तो सरकार में था, सत्ता छोड़ने का काम किया, एक केसरकर मेरे सपने थे, सत्ता छोड़ने का काम, कोई सत्ता छोड़ता है? कोई सत्ता छोड़ता है? सत्ता मुंदा है सबको, मैंने छोड़ दिया, तो आगे क्या होने वाला पता नहीं। लेकिन मैं बोला अभी महाराष्ट्र में अच्छी सरकार लानी है, लोगों के भलाई की सरकार लानी, तो मुझे ये तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, और मैंने ले लिया। और मोदी जी ने मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया, और मैं आज अमित भाई हमारे तेरे साथ में खड़े, देवेंद्र जी हम साथ में, और आज मुझे खुशी है 2 साल में जो बंद पड़े हुए प्रकल्प वो शुरू हो गए, मेट्रो का काम शुरू हुआ, अटल सेतु से गया, अटल सेतु ऐसा गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, दुनिया का गेम चेंजर। आज 2 घंटे का ट्रेवल टाइम 20 मिनट, जादू है। अभी नागपुर मुंबई जाओ 15-18 घंटे का ट्रेवल टाइम, 6-7 घंटे। अभी मुंबई पुणे जाते हो, अभी घाट से जाते हो, घाट से अभी मैं एक मिसिंग लिंक बना रहा हूं, दुनिया के सबसे चौड़ा टनल बना रहा हूं, दुनिया से दुनिया में सबसे वाइडेस्ट टनल, 30-40 मिनट पहले अभी पुणे पहुंच जाएंगे। ये डेवलपमेंट का काम है। मेट्रो आपने बंद कर दी थी, मेट्रो 2 मेट्रो 7 हमने शुरू कर दी, आर्य कारशेड को बंद कर दिया, क्यों? ईगो, राज्यकर्ता को ईगो नहीं चाहिए, जनता का भला किसमें है वो देखकर काम करना चाहिए, अपना ईगो बाजू में रखना, अहंकार बाजू में रखना, वो हमने शुरू कर दिया। मैं तो 10 साल पीछे जाते, केंद्र सरकार के पास 1 पैसा नहीं मांगते थे, बोले हमको केंद्र सरकार देता नहीं, क्या घर में लाके देगा? हम जाते हैं दिल्ली, हम प्रधानमंत्री से गुजारिश करते हैं हमारे महाराष्ट्र के लिए चाहिए, बोले शिंदे जी आपको जो चाहिए मैं दूंगा, अच्छा राज्य का विकास करो, राज्य को आगे बढ़ाओ, आप मांगोगे ही नहीं तो मिलेगा कैसे? हमारे में कहते हैं कड़क सिंह मन के होता है, नम्रता होनी चाहिए, आदर से मांगो, इसलिए अच्छे अभी घर में बैठ गए, अच्छी बात है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा कुछ कहता नहीं, मैं एक सीधा साधा आदमी हूं, मैं मुख्यमंत्री भले जरूर है लेकिन मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता हूं, कल भी कार्यकर्ता, आज भी कार्यकर्ता, कल भी कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा, क्योंकि
आचार्य जी मुझे बहुत सालों से जानते हैं, मेरे को भी बदल हुआ है कुछ कहेंगे तू वैसे रहना ठीक है ना। मेरी सीधी पहचान है एक्सेसिबिलिटी, सिंप्लिसिटी और क्रेडिबिलिटी, ये इस पे मैं काम करता हूँ, लोग भरोसा करते हैं। और ये हमारे अपने जिम खाने वाली बात की, वो तो छोटी बात है, बड़ा काम बोलो और भी कभी ना माना। और आपको पता नहीं होगा, हमने जैन समाज के लिए एक जैन समाज महामंडल बना रहे हैं, कारपोरेशन जैन समाज का, गवर्नमेंट का, वो भी कर रहे हैं। तो सरकार आपकी है ना, सरकार आप लोगों की है, इसलिए हमारी सरकार में आज उद्योग आ रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, 3 लाख 5 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। सरकार हमारे राज्य को लोग पसंद भी दे रहे, हमारे यहाँ पोटेंशियल है, कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल मैन पावर है, लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति, कोई भी तकलीफ में नहीं आएगा। पहले बड़े बड़े उद्योगपति के घर के नीचे वो जिलेटिन और बम रखते थे, किसका आदमी था वो रखने वाला, वो भी आपको मालूम है, सब ग्रुप में तो अच्छा नहीं। लेकिन हमारी सरकार में ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं करेगा, उनको मालूम है हमारे देश के साथ, हमारे राष्ट्र के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करते, कोई समझौता हम नहीं करते। और मोदी जी के 2014 के बाद एक भी बम स्फोट करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। मुंबई में बम स्फोट हो रहे थे, पुणे में हो रहे थे, दिल्ली में हो रहे थे, नासिक में हो रहे थे, सब जगह हो रहे थे। 2014 के बाद एक भी बम स्फोट हुआ, क्योंकि उनको पता है वहां मोदी जी बैठे और यहां महाराष्ट्र के चौकीदार हम लोग यहां बैठे। अभी देख रहे हैं कि कोई चुनाव में हमारे अभिनेता ही यादव के सामने जो कैंडिडेट है उसका पता नहीं मेरा नाम क्या, लेकिन उसका करने का, उसका नाम तो जानने का नहीं, सिर्फ अभिनेता ही का जानने का। बोले उधर एक जुलूस के अंदर पाकिस्तान का झंडा फहराया, पाकिस्तान वोट के लिए कितने गिर गए, एक तो चुनाव, एक जो है मुंबई में ही उसके प्रचार रैली में 93 के बॉम्ब ब्लास्ट वाले इकबाल मूसा उसको प्रचार में लेके घूम रहे, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, और हमारे अमिनी ताई को बदनाम करते हो। बेचारी अमिनी ताई पढ़ी लिखी है, उच्च विद्या विभूषित है, बजट सेशन के अंदर 3 घंटे 35 मिनट बजट में भाषण करने वाली ये महिला है। कैंसर से पीड़ित थी लेकिन कैंसर को भी भगाने वाली ये मेरी बहन है। उसको बदनाम करते ये, लेकिन लोग हैं, आप लोग हैं, चिंता नहीं मुझे, लेकिन ऐसे समय मॉरल सपोर्ट करना जरूरी होता है। पहले वालों ने क्या क्या बर्ताव इनके साथ किया, उन्होंने रोते रोते मुझे गुवाहाटी में सुनाया सब। ऐसे लोग मुंह में एक, पेट में एक, मुंह में एक, खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग। कई लोग मिले होंगे अब, लेकिन उनके चेहरे पे मत जाओ, इनोसेंट चेहरा दिखता है। पहली बार सबको लगता है बहुत अच्छा है, बहुत भला है, दूसरे तीसरे बार मिलोगे तो लगेगा ये बहुरूपिया है, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, ये गाना है ना,
वो वाली कहावत। और इसलिए मैं अभी इतना ही कहूंगा आपको, तो आचार्य जी ने कह दिया है, अभी मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये राष्ट्रभक्ति का काम है। अभी अमिनी ताई को, वो तो आमदार भी है, वो वहां काम भी कर रही है, और उसके पीछे आप सब लोग हैं। अभी आचार्य जी ने बोल दिया है तो उसका बेड़ा पार हो ही जाएगा। बीस तारीख को हमें ये चुनाव, एक सिर्फ यामिनी ताई का नहीं है, ये चुनाव देश के विकास का, देश के प्रगति का, देश को महासत्ता बनाने का। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का ये। और इसलिए कल मैं गया था वाराणसी, उनका नामांकन भरने के लिए मोदी जी का मुझे बुलाया। देखो मैं कितना खुश नसीब कि मुझे बुलाया, मुझे अपने महाराष्ट्र के बारे में हालचाल पूछा, और वहां के लोगों को देखा मैंने, क्या बनाया वो विश्व काशी विश्वेश्वर, क्या काशी विश्वनाथ और कॉरिडोर क्या बनाया है, एकदम मिराकल है। और वहां की जनता इतनी आतुर है, उनको देखने के लिए लालायत हो गई थी, उनको वोट कभी डाले, वोट कभी डाले ऐसे सोच रहे। ऐसे प्रधानमंत्री जी हमें मिला है, हमारा सौभाग्य। और इसलिए उन यामिनी ताई को वोट, मतलब सीधा मोदी जी को वोट। और धनुष मां अभी बोलते हैं असली नकली, मोदी जी ने कहा है कौन है असली कौन है नकली, मैं तो बोलता हूँ धनुष मां हमारे पास है, बाला साहब ठाकरे जी के विचार हमारे पास है, आचार्य जी के आशीर्वाद हमारे पास है, तो असली कौन है। यामिनी ताई को 20 तारीख को आप आशीर्वाद दे दो। यामिनी ताई आपके पूरे लोकसभा चुनाव क्षेत्र में साउथ मुंबई, एक एक साउथ मुंबई मतलब जो एक अपना गढ़ है और एक हमारा अपारी, सभी लोगों का मुंबई का एक सेंटर है, फाइनेंशियल कैपिटल है हमारा, सबसे रिचेस्ट, तो मतलब हारने का कोई सवाल नहीं, खाली लीड कितना है अपने को। और उनके इधर लोढ़ा जी बैठे हैं बाजू में, वजनदार, वहां पर हमारा मिलिंद बैठा है। देखो मैं जवान देता हूं तो पूरा करता हूं, मिलिंद अपने सामने उदाहरण है, बिल्कुल मैं मिलिंद को बुलाता तेरे को राज्यसभा भेजूंगा, राज्यसभा से। तो इसलिए, और हमारे पालक मंत्री भी यहां पर है, पालक मंत्री एकदम सीधे साधे हैं, शांति प्रिय है आपके, आप लेकिन काम बराबर करते हैं। जब गुवाहाटी में था ना तभी बराबर काम किया उन्होंने। तो मेरे आपसे गुजारिश नम्र निवेदन है, 20 तारीख को पहले सुबह जैसे आचार्य जी ने कहा नाश्ता करे, खाना खाए, फिर आराम करे, ऐसा नहीं। अपने को देखो क्या चीज, मैं क्या बोल रहा हूं आप समझो, कुछ लोग ज्यादा ज्यादा निकल के वोट करने की कोशिश करते हैं, वो उन्होंने तय कर लिया, इसलिए हमारी वोटिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ताकि हमारा लीड जो है इतना बड़े कि अगले समय कोई चुनाव में विपक्ष खड़ा रहने का हिम्मत न करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिनेंद्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।